वो देखिए कितना बड़ा पत्थर जो है वो रास्ते में आके गिरा पड़ा है और लैंडस्लाइडिंग जो है बड़ी जबरदस्त लेवल से हो रही है। हिमाचल 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 इतना इजी नहीं है गाइस आना। ओहो हो हो, बड़ा डिफिकल्ट रास्ता है यार। और ये भी जो है काफी हाई लेवल पे लैंडस्लाइडिंग हुई पड़ी है और हम अब इसको करने जा रहे हैं क्रॉस। एक्चुअली ये जो शिप है टाइटैनिक शिप है जो ये ऊपर इसलिए है क्योंकि जो पानी है उसका लेवल जहां तक भी रहता है। हल्की फुल्की कैंपिंग, लेकिन जल्दी ही जो अगली वीडियो आएगी तो उसमें प्रॉपर जो है वो हम कैंपिंग करके बताएंगे आपको। पानी राइज जो है तो वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ जो है मिर्ची रह गई है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सारे बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल एस्केप प्योर देसी। ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सब लोगों का जो है वो तह दिल से जो होता है ना, दिल की गहराइयों से, वो आप सब लोगों का शुक्रिया। मेरी पिछली जो वीडियो थी हाउ टू गो हिमाचल इन लॉकडाउन को आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया। विद इन वन वीक 7.1 व्यूज थे उसके। आगे भी ऐसे प्यार देते रहें। और आज की जो वीडियो है वो बड़ी स्पेशल वीडियो बनने जा रही है। पहले ये बताएं कि जो घूमने फिरने के शौकीन लोग हैं वो आजकल क्या कर रहे हैं भाई? घर पे बैठे हुए हैं। अरे घर पे क्यों बैठे हुए हो? एफर्ट करो, एफर्ट कीजिए भाई, फिर ही आपको जो है घूमने फिरने का मौका मिलेगा। ऐसी कई डेस्टिनेशंस हैं जो आप घर बैठे बैठे प्लान कर सकते हो और जा सकते हो, जिसको जाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ऐसी ही डेस्टिनेशन आज मैं आपको दिखाने जो कि है पंजाब हिमाचल और J&K के बॉर्डर पे। ऐसी डेस्टिनेशन देखना चाहते मेरे साथ बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसी बढ़िया डेस्टिनेशन है जहाँ के व्यूज आपको जो मंत्रमुग्ध कर देंगे और वहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो, जैसे भी आप एंजॉय करते हो ना बाहर जाके वो आप कर सकते हो। तो गाइस बने रहो मेरे साथ, ये वीडियो बड़ी अच्छी होने वाली है। पहले जो प्लान किया था वो किया था रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड पे जाने का, लेकिन पठानकोट में मेरा फ्रेंड है जो आप देखेंगे, उसको हमने रास्ते से लेना है। उसका मुझे एकदम से फ़ोन आया, भाई यहाँ पे बारिश हो रही है, और क्योंकि मुझे गुरदासपुर से पहले पठानकोट, पठानकोट से बाद में हिमाचल एंटर होना पड़ेगा, तो गाइस इसलिए उसने पहले मुझे इंटीमेट कर दिया कि भाई गाड़ी पे आ, बाइक पे मत आ। तो बाइक वाला जो काम है वो कैंसिल है और अब मैं जा रहा हूँ बारिश के मौसम में गुरदासपुर टू पठानकोट और पठानकोट टू हिमाचल। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पूरी देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी गई है और जो इंस्टाग्राम आईडी दी गई है उसको फॉलो करें और ईमेल करें, आपकी हर जो मुश्किल है, आपकी हर जो प्रॉब्लम है उसका रिप्लाई किया जाएगा आपको। थैंक यू वेरी मच, वीडियो पूरी देखिएगा भाई। सुबह के हो गए 5:30 और थोड़ी सी बारिश की वजह से जो है हमारी जो प्लानिंग थी, पहले बाइक की सेटिंग की, अब कार की सेटिंग की है, वो थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं। अब जो है सारा कुछ रेडी है और मैं निकले वाला हूँ पठानकोट की, और पठानकोट में वेट कर रहा है अपन का भाई, अपन का चड्डी भाई, चड्डी भाई जानते हो ना, जो बचपन का दोस्त होता है नवदीप, उससे मैं आपको मिलाऊंगा और उसके बाद हम जाएंगे डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन जो है ना भाई एकदम से देखना, पूरी भंटूस होने वाली है और देखना भाई जो वीडियो होगी ना वो भी जबरदस्त होने वाली है। तो गाइस ये आया है गुरदासपुर से पठानकोट के रोड पे पहला टोल प्लाजा, इसको क्रॉस करने के बाद पठानकोट रह जाएगा सिर्फ 15 किलोमीटर। हो गया क्रॉस और जो सुबह का दिन है वो शुरू हो गया है। Thank you.
पठानकोट पहुंचने वाले हैं और पठानकोट रह गया जहाँ से 10 किलोमीटर और उसके आगे जो है वो सारा ही हिली एरिया है। देखते रहिए मेरे साथ गाइस, बने रहिए, बड़ा ही आपको मजा आएगा, बड़ी अच्छी वीडियो होगी। डेस्टिनेशन तो आप अनबिलीवेबल, बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन है। और जो रास्ता है वो भी फुल ऑफ रोड बना हुआ है। तो गाइस, हिमाचल में आने से पहले एक चीज देखिए, अगर आप बारिश के वेदर में आते हो ना तो ये देखिए, जहाँ पे ऐसी जो लैंडस्लाइडिंग वाली जगह होती है ना, वहाँ पे काफी खतरा बढ़ जाता है। रास्ते में भी काफी जो पत्थर थे वो गिरे पड़े थे, जगह जगह पे जो है वो गाइस वो लैंडस्लाइडिंग हुई पड़ी है। ये देखिए एक छोटा सा जो वाटरफॉल है आपको दिखाता हूँ मैं, ये है हिमाचल के वाटरफॉल। वो देखिए कितना बड़ा पत्थर जो है वो रास्ते में आके गिरा पड़ा है और लैंडस्लाइडिंग जो है बड़ी जबरदस्त लेवल से हो रही है। हिमाचल 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 इतना नहीं है गाइस आना। ओ हो हो हो, बड़ा डिफिकल्ट रास्ता है यार। और ये भी जो है काफी हाई लेवल पे लैंडस्लाइडिंग हुई पड़ी है और हम अब इसको करने जा रहे हैं क्रॉस। यार बड़ा डेंजरस काम है वो। थैंक गॉड। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हिमाचल को हम देवभूमि के नाम से जानते हैं, तो हमारे यहाँ एक मंदिर मिला है हमें जो कि बहुत अच्छा है, भोलेनाथ जी का है और शनिदेव जी का भी मंदिर है साथ में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूजा हो रही है और यहाँ भोलेनाथ जी की है मूर्ति और बाहर नंदी विराजमान है, नंदी जी विराजमान है बाहर, और यहाँ भगवान श्री चंद महाराज जी का भी स्थान है। तो चलो हम आगे चलते हैं। बाबा जी जय शंकर जी। जय शंकर जी महाराज। जैसा कि गाइस लिखा हुआ है ना, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, रुक के देख प्रकृति के नज़ारे। और हम लोग सेम ऐसा ही कर रहे हैं और ऊपर लिखा भी हुआ ब्रो, शायद वो हमको जानता होगा, हम उसके ब्रो हैं और हम ऐसा ही देख कर रहे हैं और प्रकृति के जो नज़ारे हैं
वो हम देख रहे हैं। हम जा रहे हैं डलहौजी की ओर गाइस, ठीक है। तो गाइस हमें इस समय हिमाचल में और जहाँ से रह गया है सिर्फ 28 किलोमीटर डलहौजी, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं अभी अभी जो है बारिश रुकी है और पेट में जो है वो चूहे दौड़ रहे थे, और अब हम रुके हैं। रास्ते में हमें बड़ा ही अच्छा रेस्टोरेंट मिला है, कृष्णा रेस्टोरेंट। ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। मुझे भी भूख लगी है और नवदीप को भी भूख लगी है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट और आपको भी बताते हैं कृष्णा रेस्टोरेंट। क्या टेस्ट है इसका, और जे एस की फर्स्ट बाइट। बोलते हैं भाई हिमाचल जाना है, हिमाचल जाना है, दैट इज हिमाचल, ठीक है। हेलो गाइस, तो बहुत बढ़िया था आज का ब्रेकफास्ट। तो अब हम नेक्स्ट आगे जा रहे हैं, आप बने रहिए, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि कौन सी डेस्टिनेशन आज एक्सप्लोर करते हैं। बिल्कुल भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, तीन रास्ते चेंज कर चुके हैं अभी तक हम, बारिश की वजह से नहीं, बस एक दूसरे की सलाह की वजह से। तो आप देखते रहिए कहाँ जाते हैं। तो गाइस रास्ते में हिमाचल में हमें गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने का मौका मिला है, जहाँ पे लिखा है स्थान श्री बाबा बंदा सिंह जी बहादुर। और आगे चल के बताते हैं आपको, ये है गुरुद्वारा साहिब। और हिमाचल में लॉकडाउन, दरवाज़ा बंद है गुरुद्वारा साहिब का, और हम अभी अंदर जाके जो है आपको दर्शन नहीं करवा सकते, लेकिन आप देख सकते हो बड़ा ही अच्छा बना हुआ है, और ये स्टेयर्स जा रही हैं ऊपर, और बिल्कुल हिल के ऊपर जो है गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है। हमने जो है दूर से ही मत्था टेक लिया है, और जब भी कभी खुलेगा, जब भी बाबा जी ने चाहा, तो हम दर्शन करने के लिए आएंगे। अभी चलते हैं आगे। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी जो मेन डेस्टिनेशन थी अटल सेतु ब्रिज, वो सामने जो है हमारे बिल्कुल ब्रिज है। अभी हम वहां पे जाएंगे जहां से थोड़ी परमिशन लेनी पड़ती है, और वो हम लेंगे अब परमिशन अटल सेतु ब्रिज जाने की। और वेदर तो आपने देख ही लिया है और नज़ारे भी ले लिए हैं हिली एरियाज़ के। अभी जो मेन रह गया है वो है हमारा अटल सेतु ब्रिज।
ये अटल सेतु ब्रिज की एंट्री से पहले एक चेक पोस्ट आती है, और चेक पोस्ट जो वहाँ पे ड्यूटी स्टाफ था उनसे हमने अटल सेतु ब्रिज जाने की परमिशन ले ली है, और अब मैं और नवदीप आपको अटल सेतु ब्रिज पे लेके जाने वाले हैं। इस टाइम वहाँ पे कोई नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, और ये जो ब्रिज है आपको पहले मैं बता चुका हूँ, ये जो ब्रिज है ये पंजाब को और जे एंड के को आपस में जोड़ता है, और ये है पंजाब हिमाचल और जे एंड के बॉर्डर पर। तो लेट्स गो, चलिए चलते हैं अटल सेतु ब्रिज। तो गाइस फाइनली जो है मैं और नवदीप भाई पहुंच चुके हैं अटल सेतु ब्रिज पे, और ये जो ब्रिज है ये पंजाब और जे एंड के को आपस में जोड़ता है, और पूरे ब्रिज में हम ही दो लोग हैं और कोई भी नहीं है। और इस ब्रिज की जो लंबाई होगी वो ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर होगी, और इस ब्रिज की एक और खासियत है जहाँ पे जितने भी नई नई शादियों वाले ना कपल्स होते हैं वो जहाँ पे आके प्री वेडिंग करवाते हैं, बढ़िया है। और लॉकडाउन की वजह से जो है वो लोगों ने ब्रिज पे आना जो है बंद कर दिया है, देखिए। और हाँ, इस ब्रिज की जो एक और खासियत है वो स्पेशलिटी मैं आपको बताता हूँ, और जहाँ पे इसके नीचे जो है हमारी आवाज़ जो है वो हमको डबल सुनाई दे रही है, वाह हेलो माय गॉड। और जो ये ब्रिज है ना इसकी एक और स्पेशलिटी है, ये केबल ब्रिज है, और इसको देखने के लिए दूर दूर से जो है वो लोग आते हैं। मैं स्पेशली इतनी बारिश में सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए लाया हूँ, ये है हमारा अटल सेतु ब्रिज। एक्चुअली मैं नवदीप के बारे में बताता हूँ कि हमने पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की है, लेकिन तब हम व्लॉगिंग नहीं करते थे, और आज हम काफ़ी दिनों के बाद दोबारा इकट्ठे हुए हैं। ये ब्रिज एक्चुअली देखा तो पहले बहुत बार था, यहाँ पे आना बहुत ही रेयर हुआ था मेरा, मतलब मैं आ ही नहीं पाया था। आज मतलब इस रेनी सीजन में यहाँ पे आने का मतलब मकसद पूरा हो गया मेरा। आप खूबसूरती देख ही सकते हो इस ब्रिज की, और ये पूरा का पूरा केबल ब्रिज है, इसके बीच में कोई भी पिलर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केबल से ही बंधा हुआ है। और ये है गाइस बिल्कुल रिजर्वेयर के बीचों बीच एक टेंपल, क्या खूबसूरती है गाइस। हवा चल रही है बहुत ज्यादा, और जिसकी वजह से जो है थोड़ी वीडियो शूट करने में प्रॉब्लम आ रही है। और ये रहा टेंपल, दर्शन कीजिए आप भी, क्या खूबसूरती है टेंपल की। क्या वेदर है भाई। तो गाइस देखिए ब्यूटीफुल अटल सेतु ब्रिज जो कि है मिनी गोवा के नाम से फेमस, उसका नज़ारा वो तो क्या खूबसूरती है भाई। वाह, तो ये है भाई अटल सेतु ब्रिज, दूर दूर तक जो है वो पानी दिख रहा है आपको। तो गाइस देखिए ये है बोटिंग का नज़ारा, और अरे बोटिंग नहीं नवदीप, फिशिंग हो रही है आई थिंक। वाह,
तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा जो आज का सफर और जो व्लॉग मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है, सो दैट जो लोग भी डरे हुए है ना ये न्यूज की फालतू की चीजें सुन सुन के, वहां नहीं जा सकते लॉकडाउन है जी कुछ भी है, वो उन लोगों के लिए ये वीडियो एक जो है एक अच्छा मैसेज है। आपको हर जानकारी मिलेगी, आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं अनएक्सप्लोर्ड जो चीजें हैं, अनएक्सप्लोर्ड जो हमारी प्लेसेस हैं उनको कैसे जो है एक्सप्लोर कर सकते हो आप। घर पे बैठे रहने से कुछ नहीं आपको मिलेगा, अगर आप घूमने फिरने के शौकीन है तो फालतू की न्यूज जो है वो देखना बंद कर दो, प्रॉपर जो रूल रेगुलेशन है फॉलो करो और अपनी डेस्टिनेशन जो आपके दिमाग में भरी पड़ी ना वहां जाना है उन डेस्टिनेशन तक घूमो फिरो भाई। और भी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जो कि किसी स्वर्ग से कम नहीं है, और उसके लिए जो है वो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना है। हमारे चैनल पे आपको वो सब मिलेगा जो आप जानकारी चाहते हो हम कैसे घूम सकते हैं। तो गाइस मेरी जो पिछली वीडियो थी उसका टाइटल था हाउ टू गो हिमाचल इन लॉकडाउन, उसको आपने इतना प्यार दिया है कि इन वन वीक उसके जो व्यूवर्स थे वो थे 7.1K, सो थैंक्स वेरी मच, आपका मैं तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसी ही जो है अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस जो होती हैं उनका एक्सप्लोरिंग का सफ़र हमारे चैनल में चलता रहेगा, आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर जो है वो कर दें चैनल को। यार एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप सारी वीडियो देख लेते हो और उसके बाद में ना आप कोई नेक्स्ट वीडियो देखनी शुरू कर देते हो, भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड आपको और बहुत बहुत अच्छी डेस्टिनेशंस जो है हम दिखाएंगे। प्लीज आने वाली जो वीडियोस हैं भाई वो इससे भी बढ़िया होने वाली हैं, ऐसी कई डेस्टिनेशंस हैं जो आप लॉकडाउन में भी घूम सकते हो, और जो सारी वीडियोस हैं वो शूट हो चुकी हैं ऑलरेडी, और उनकी जो है वीडियो एडिटिंग में टाइम लगता है और साथ में ऑफिस जॉब ड्यूटी सारा कुछ करने के बाद जो टाइम मिलता है गाइस उसमें सिर्फ आपके लिए जो है वो वीडियो एडिटिंग की जाती है, सो दैट आप के हाँ आप भी घर बैठे बैठे जान सको कि आप एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं लॉकडाउन में या किसी भी सिचुएशन में। गाइस प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू वेरी मच। ट्रैवलर एसके प्योर देसी। ऊपर का आपको ब्रिज तो दिखा दिया हम लोगों ने, तो अब हम जा रहे हैं नीचे बीच पे, वो देखिए वो सामने जो बीच दिख रहा है आपको वहाँ पर जा रहे हैं हम, नीचे का नज़ारा भी आपको दिखाएँगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस जो मेन ट्रैकिंग है ना वो शुरू हो चुकी है और हम जा रहे हैं नीचे जो गोवा वाले बीच पे आपको बताया था। जल्दी जो अगली वीडियो आएगी तो उसमें प्रॉपर जो है वो हम कैंपिंग करके बताएंगे आपको, इसी जगह पे कैंपिंग के लिए, कैंपिंग के लिहाज से ये जगह जो है वो हमें बड़ी मस्त लगी है। पुलाव में जो है वो देखिए ज़्यादा मज़ा है, मिर्च जो है ना ज़्यादा होने की वजह से और ज़्यादा मज़ा आ रहा है।